अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज मैं जरा नाश्ता घर पे बनाने लगा था, ब्रेकफास्ट। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा उसको शेयर कर दूँ, उसमें कोई ख़ास बात तो है नहीं। ये टेम्परेली अभी अरेंजमेंट मैंने किया हुआ है क्योंकि मेरा जो फ्रिज है वो ख़राब है, तो उसमें कोई आप आटा भी गूंद के नहीं रख सकते, और इसके अलावा आप जो है और भी चीज़ें उसमें कोई मिल्क वगैरह भी नहीं रखते थे, इस वजह से मैं ये पैक्ड जो मिल्क है वो लाता हूँ, इसलिए चाय या कॉफ़ी वगैरह बना लेते हैं। तो कभी मैं बाहर से कर लेता हूँ नाश्ता, तो आज मेरा मूड हुआ कि घर से ही बनाऊँ, तो वो बकौल दोस्त के कि वो इसके साथ ही छोटा सा चूर्ण भी बना लूँगा आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए, वरना कोई ऐसी कोई बिग डील कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है कि ये नाश्ता बनाना। तो इसको मैं बस वो कोई च्वाइस नहीं है कि मैं आज मैंने कहा इससे खा लेते हैं, एग से और उससे ब्रेड से इसको कर। और इसमें एक कप मैंने वो डाल लिए हैं, और क्या कहते हैं मिल्क पैक का एक पाव होता है तकरीबन एक मग्गा कह लें, और एक मग पानी है, क्योंकि मैं नाश्ते में मैं दो कप पीता हूँ चाय के लाजमी, तो ये फिर एक हुए मिला के ये दो हो गए। चलिए ये हो गया, और इसको रखते हैं इधर, और इसके अंदर पत्ती में जो है वो अभी साथ ही डाल देता हूँ, और एक अपना फार्मूला होता कोई बाद में डाल दिया, इसमें ये दो कप है, ओए छोड़ो मत मेरे, चले भाई। अबे अबे चाचा तुमको भी अभी खाना सना था, चाय गिरा ली अपनी। तो आज ये कॉफी बना रहा हूँ, ये मैं वहां से लाया था, और देखते हैं एक कप के अंदर, ये कप क्या बड़ा मग्गा है, इसमें दो ये छोटे चम्मच डाले हैं। अब मुझे नहीं आइडिया कि इससे कितना टेस्ट बनेगा, लेकिन चेक करते हैं। और आज मैं पहले दिन बना रहा हूँ जब लाया हूँ यहाँ, इससे पहले भी लाता रहा हूँ लेकिन आज यहाँ, तो देखते हैं। वो ये मैं भूल गया हूँ कि चम्मच इसमें एक डालना था, दो डालने थे, तीन डालने थे, लेकिन चलो दो से स्टार्ट लेते हैं आज, फिर अंदाजा हो जाएगा। दूर है वो, तो फिर लोग उसको कचरे वगैरह को जमा करके अपने घर के सामने ही वो जला देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए एक्चुअली। ये तो पोल्यूशन है, धुआं सारा एटमॉस्फेयर में उसमें सारा धुआं जाता है, और करना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों की भी मजबूरी है, वो क्या करें, किधर उसको चीज़ों को कहाँ फेंकें, कोई प्रॉपर जगह हो जहाँ जाके वो डंप करें, ऐसा है नहीं। सिटी करती है एफर्ट, उठाती है कोशिश करके जितना वो कर सकती है, लेकिन उनकी अपनी रिसोर्सेज सिटी की इतनी नहीं है कि वो सबको ये कचरे को हर चीज़ को वो संभाल ले, और क्या किया जाए, इसके लिए कोई च्वाइस नहीं है। अब आप देखिए सारा यहाँ से भी मैं ले जाके वहाँ जमा करूँगा, फिर थैले में डालूँगा, फिर डाल के मैं फिर इसको रोड के उस तरफ जो फेंकने की जैसे वो जगह बनाई हुई है ये साइडों पे वहाँ फेंकने के, फिर सुबह वहाँ म्यूनसिपलिटी की वो गाड़ी आती है वो फिर उसमें उठाती है, कभी उठा दी कभी ना उठाई, फिर क्या करते हैं वो जो अमला कई मरता वो खुद यहाँ इसको जला देता है, जिसके लिए मैं उनको अलाउ नहीं करता हूँ। मेरी हमेशा उनसे मैंने कहा अगर आप लोगों ने यहाँ इसको उठाने की बजाय जलाया मैं सिटी को कंप्लेन करूँगा, मैं सिटी में जाऊँगा। तो ये चेयरमैन मैंने कहा जितने भी वहाँ काम करने वाले मेरे सारे मेरे पुराने साथ के, और उसके मैंने कहा मैं दो मिनट में तुमको लाइन हाज़िर कर दूँगा, यहाँ वो लाइन हाज़िर करते हैं ना धमकी उसको कि तुम्हारी जॉब के तुम्हें मसला बन जाएगा, तो वो मेरे घर के सामने यहाँ तो नहीं जलाते, या मतलब मैं आगे पीछे होऊंगा चोरी, फिर कहते हैं पता ही नहीं किसने जलाई, हमें क्या पता किसने आग लगाई, हमने तो नहीं लगाई, जो काम करने वाला अमला यहाँ साकुरूप कहने या जो भी उनको कहने बेचारे सफाई करते हैं। तो ये सारा सिलसिला है, अब ये देखें ये कितना हो गया जमा। अब पहले तो मैं इसको बैग में डालूंगा, यहाँ मैं बल्कि वीडियो को रोकता हूँ, अभी इसको मैंने मोटा मोटा साफ़ कर लिया, अब उसके बाद फिर मैं आज इसको, ये देखें मिट्टी अगर डस्ट कितनी,
तो इसको मैं आज पानी का प्रेशर पर लगा के मोटर, तो इन दरवाजों को इसको जब मैं नहीं था तो सारा डस्ट जमा हो गई, तो मैं इसको आज इंशाल्लाह वाश करता हूँ तो ज़रा सफाई हो जाएगी यहाँ। तो मैं उसके बाद वापस आता हूँ, इसके बाद इसको उठा के जब पानी यहाँ से सफाई करूँगा तो इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा आता हूँ। लेकिन मैं भी चूँकि ये 2-3 महीने के बाद ही आज हो रहा हूँ, थोड़ा सा हवा जो अंदर है बड़ी मिट्टी है, जो मेन रोड है ट्रैफिक चलती है हर वक्त, रात के 3 बजे तक ये चलता रहता है रोड। एक लिहाज से सेफ्टी के हिसाब से बड़ा सेफ है, किसी किस्म का चोरी का और उसका कोई डर नहीं है आपको। यहाँ रोड सारी यहाँ चलता है और लेकिन है कि ये जरूर है कि फिर ये डस्ट और किसका दरवाजे इनकी मिट्टी विट्टी सारी ये चीज़ देखिए किस हालत को। तो मेरा कैमरा सारी दूसरी तरफ चला जाता है, अब ये मिट्टी सारी जब से मैं अभी आज मैं पहली दफ़ा इसको धो रहा हूँ तो इससे कम से कम चलो थोड़ा सा दरवाजे मिट्टी डस्ट वगैरह हट जाएगी तो अच्छा लगता है दरवाज़ा धुला हुआ। और चल भाई इसको पहले इस मिट्टी को आगे बढ़ा, ज़्यादा भी नहीं पानी से फिर वो रोड के ऊपर पानी जाता है, लोग बेचारे तंग होते हैं। मैंने देखा यहाँ पानी छिड़काव करते हैं लोग कोई परवाह नहीं करते, रोड के ऊपर तक पानी चला जाता है, फिर जो पेडेस्ट्रियन है यानी जो पैदल बेचारे जा रहे हैं या इवन गाड़ियों वाले भी, वो पानी इतना जमा होता है फिर उसके अंदर से वो। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं कितना जल्द इसको या दो हिस्सों में इस वाले टुकड़े को भी करूँ फिर दूसरे को शाम को करूँ, क्योंकि वहाँ पानी रोड पर जो जमा हो जाएगा वो लोगों को बड़ा तकलीफ देगा चलने आने में, ख़ासतौर पर पैदल चलने वाले लोगों को। तो मेरा ख्याल है कि एक को मैं आज वाश करता हूँ दूसरे को शाम, ताकि ये वाला पानी सूख जाए फिर दूसरे वाला वो शाम को। चल यार ये तो पानी बहुत ही जमा हो गया ना, चलो ठीक है जितना दिया है कम से कम यहाँ से मिट्टी आगे बढ़ गई, फिर देखेंगे। चल यार हम इसके वादे को धो देता हूँ, बड़ा मिट्टी के साथ हो रहा दरवाजे को धोते वक्त लानत है तुम्हारे मुंह के ऊपर खाली खाम का बगैर वजह के हर रुख जाते हुए जाते तुम लोग 24 घंटे। मेरे मुंह से अभी मैं एडिटिंग कर सकता नहीं तो मैं बताता 2-4 देखा हैदराबादी में गालियाँ तुमको खाम खा के, यानी इतनी ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मुझे तकलीफ इस बात की कि कोई वजह हो कोई रीज़न हो हार बजाने का नहीं, लोग अननेसेसरली जस्ट फॉर फन कोई बंदा खड़ा है उस वहाँ से हॉर्न पे हाथ रखे हॉर्न बजाते हुए चले आ गए। खुदा के बंदे तुमको पता नहीं है कि हॉर्न की लोगों को कितनी तकलीफ है और आप लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते इस बात की, बगैर किसी वजह के आप हॉर्न बजाते हुए चलते जाते हो, बस अल्लाह हिदायत दे नहीं मैं क्या हैदराबादी गालियाँ कौन सा आप लोगों को कोई रोक देंगी। लेकिन चलो ख्याल करना चाहिए आप लोगों को, अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हो खुदा के लिए हॉर्न ही बजाना बंद कर रहे हो, अगर आप कहते हो बड़े वफादार है मुल्क के साथ बड़े लॉयल हैं अपने कौम और अपने मुल्क के साथ, तो पहले ये काम तो करो ना, ये हॉर्न बजाना बंद करो सिटी के अंदर, आप चल नहीं सकते हो यकीन करें। जिस जगह जाओ हॉर्न, जिस जगह जाओ हॉर्न बंदा ऐसा कारों पे हाथ रखे। सबसे ज़्यादा यहाँ जो तकलीफ यहाँ अगर रहते हुए अगर कोई मुझसे पूछे आपका क्या बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है वो ये है कि ये देखो शादी वाला, अबे भाई हम मुझसे मशवरा तो करता, क्या जरूरत है तुमको ये जल्दी है शादी करने, तुम्हें लगेगा पता हंस लो जितना हंसना तुमने। तो ये जो है कहने का मेरा मकसद ये कि ये मेरी वीडियो अगर मेरे यहाँ के मोहल्ले वाले मेरे ये नेबरहुड वाले भी देखें तो प्लीज़ पहले तो मैं अमल करूँगा, मैंने अंदाज़ा नहीं था मुझे कि इतना ज़्यादा पानी मैंने चला दिया। लेकिन ये बेचारे जो लोग रोड पर जिनका चलने का हक पहले है पैदल वालों का, अब उनका ख्याल करो। अब मैं ये सिर्फ पैदल चलने वालों की वजह से यहाँ से ये मट्टी आगे धक्का दे रहा हूँ ताकि वो जब आए चलेंगे तो वो इस तरफ से रोड से क्रॉस करेंगे, तो इसके लिए इसलिए मैं ताकि कोई ऐसा ना हो कि स्लिप होके गिर जाए या कोई वजह हो जाए। जी 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 हेलो हे अंबर
इसमें आपने क्या अपना मिर्ची और प्याज और ये आरिफ ने बोला वही ऑर्डर बना रहे हो ना? जी जी। अच्छा मिक्स है ना जैसे शामी कबाब होते हैं। आप उसका अच्छे होते हैं उसको लीवर कैसे है ना अपना इसका भी बना ठीक है ना। चलेंगे सब वहाँ के अंदर।